झूले लाल जाल लाल लाल लाल। रेलवे का आवेदन है कि हम लोगों का रहने का कोई जगह नहीं। ये है मुंबई की बिजी स्ट्रीट, इसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि कभी विक्टोरिया टर्मिनस कहलाता था। एंड थैंक्स टू हिम हु क्लिक्ड माय पिक्चर। हाय हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल लव द पीपल आर। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये हमारे मुंबई की शान है और इस शान के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत है। तो चलते हैं अंदर, आज का सफर आपके साथ एक्सट्रीम रोड्स पर। अब चलते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं। सुपर, लुक्स कूल है ना। चलिए आपको थोड़ा सा अंदर का फील भी देती हूँ। ये ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हो लोकल ट्रेन्स जा रही हैं। अभी बस वक्त हो चला है, वैसे तो लोकल ट्रेन 4:30 बजे चलती है, अभी हम 5:28 पर हैं। आपके लिए मैं स्पेशली गई थी बाहर का फील देने के लिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो इतना खूबसूरत दिखता है कि देखते बनता है। वैसे कह दूँ, सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मतलब उस टाइम पे विक्टोरिया टर्मिनस ब्रिटिशरों के ज़माने में, और थाने तक चली थी। लोकल ट्रेन्स के लिए 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक होता है, जहाँ पे स्लो और फास्ट ट्रेन जाती है, और वहाँ से हार्बर, सेंट्रल, वेस्टर्न लाइन भी हम कैच कर सकते हैं हार्बर के थ्रू। और उसके अलावा 8 नंबर से लेकर 18 नंबर तक आप मुंबई से बाहर जाने वाली ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। तो आप मेन एंट्रेंस से भी आ सकते हैं, और उसके अलावा एक और सेक्शन है जहां से आप एंटर कर सकते हैं, वो है 18 नंबर वाले प्लेटफॉर्म से। वेल दोस्तों, आपको ये साइन का मतलब समझ में आता है, ये क्रॉस साइन। अभी ये लोको इसका अटैच था, लेकिन अब डिटैच्ड है। इसका मतलब ये जो क्रॉस साइन आपको दिखाई देगी, उसका इसके बाद कोई भी कोच नहीं है, कोई भी इंजन नहीं है। ये है हमारा WAP-7 लोकोमोटिव और इसका नंबर है 37002, और आज हमारी सवारी इसी लोकोमोटिव से होने वाली है। इंडियन रेलवेज में आपका स्वागत है। आवाज दोस्तों, आपने अभी लोकोमोटिव देखा। इस लोकोमोटिव की खासियत है, पहला एसी लोकोमोटिव छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस में ही लगा था, और उसका रीज़न ये था कि जब कन्वर्जन हुआ डीसी से एसी में, तो ये पहली ट्रेन थी जो रन की थी एसी लोको के साथ। आज का सफ़र है हमारा 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस में, और गीतांजलि एक्सप्रेस रन करती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर हावड़ा कोलकाता तक, मतलब महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता तक का हमारा सफ़र रहेगा आप लोगों के साथ। वैसे ये ट्रेन की खासियत है, इस ट्रेन का नाम बहुत ही आइकॉनिक है, और इस ट्रेन को रविंद्रनाथ टैगोर जी से जोड़ा जाता है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि एक किताब थी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ग्रेट पोएट थे। हाँ, हमारी ट्रेन चलने वाली है एग्जैक्ट 6 बजे अर्ली मॉर्निंग सुबह, और पहुँच जाएगी कल 12:30 बजे हावड़ा। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज से 6 बजे निकलेंगे और हावड़ा पहुंचेंगे 12:30 बजे। 30 घंटे और 30 मिनट का सफ़र होगा, 1,967 किलोमीटर का। ये सफ़र मज़ेदार होने वाला है आप लोगों के साथ 12859 में। चलते हैं गीतांजलि एक्सप्रेस के साथ। मैं ट्रैवल कर रही हूँ A1 में,
वैसे ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाली ये ट्रेन है गीतांजलि एक्सप्रेस, और यहाँ पे दिव्या है और ये है हमारी सीट। वैसे हमारी 31 और 33 है, लेकिन हम लोग किसी को दे देंगे, है ना। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास, सेकंड स्लीपर, उसके अलावा 3 AC, 2 tier AC और फर्स्ट क्लास भी है। जो मुझे सबसे ये लगता है ना, जैसे हमारा कोच आपको अगर देख रहा हूँ बहुत गंदेड़ा है यहाँ पर दुरंतों के जो कोचेस हुआ करते थे या है कुछ कुछ, क्योंकि आजकल तो ये हो गया है कि राजधानी के कोच भी लग गए हैं, दुरंतों के कोच लग गए हैं, सब मिक्स मैक्स हो चुका है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कलर रहा नहीं है इन सारी ट्रेन का। जल्दी हो जाए ताकि हमें भी आइडेंटिफाई करने में और देखने में भी अच्छा लगे। देखिए ट्रेन चल चुकी है एग्जैक्ट 6 बजे। कभी सोता नहीं, वो है लोकल ट्रेन, और ये हकीकत है कि मुंबई कभी सोता नहीं है। जब रेगुलर ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन रात के 1:30 बजे तक चलती है और सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाती थी। हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट है दादर, और दादर बिजीएस्ट स्टेशन माना जाता है मुंबई में। ये स्टेशन सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन को जोड़ने वाला एक लिंक है। ठीक लग रही है यहाँ पर अभी तक तो, लेकिन जब पैसेंजर्स चढ़ने लग जाएंगे तब एक्चुअल में पता चलेगा। ये थोड़ा नया वाला कोच है, इसलिए थोड़ा इसका कलर आपको नया लगेगा। नया मतलब क्या, उतना पुराना नहीं है। वैसे गीतांजलि एक्सप्रेस का इनॉग्रल रन हुआ था 4 नवंबर 1977 में, 44 years back। वाओ, और हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस 26 स्टॉप्स लेगी और 24 हॉल्ट लेते हुए 5 स्टेट को कवर करते हुए पहुंचेगी हावड़ा। अभी हम लोग इगतपुरी में, और इगतपुरी से पहले दादर के बाद इसका स्टॉप था कल्याण। इगतपुरी बेसिकली टेक्निकल हॉल्ट होता है हर ट्रेन का, कसारा पहला होता है जहां पर पीछे 2 लोग को लगते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो लोगों निकल जाते हैं। लाइट यो फॉर धम्मागिरी। वैसे मैंने कई व्लॉग में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर विपासना सेंटर है, और विपासना सेंटर के लिए लोग आते हैं, और इसके लिए बकायदा आपको बुकिंग करनी पड़ती है। आपने पुष्पक एक्सप्रेस में देखा होगा कि कितनी खूबसूरती से मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेच बताया है आपको, कसारा से लेकर इगतपुरी का, और कर्व्स हैं बहुत सारे, तो आप वो देखकर आनंद लीजिए। आज भी हम वैसे कुछ सुधरे नहीं हैं, ट्रेन रेलवे भले सुधर गई है लेकिन पैसेंजर्स वही के वही हैं, क्योंकि पैसेंजर्स को आज भी लगता है खिड़की से हम बाहर सब कुछ फेंक सकते हैं, एटलीस्ट हमारे सीट के पास ठीक हो। लेकिन कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी होते हैं जो सीट के ही नीचे भी फेंक देते हैं, मूँगफलियाँ तोड़ते हैं नीचे, कोई भी चीज़ खाते हैं नीचे, संतरा खाते हैं छिलटा नीचे। वो है वैगन के शेड। मैंने लिया है उपमा। उपमा यहीं पर पेंट्री में बना है। अच्छा बना है, अच्छा गर्म भी है, हमने थोड़ा लेट लिया। 40 रुपीस का है उपमा भी, कटलेट भी। वैसे तो बता रहा था कि नासिक रोड थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन टाइम पर आ गया। 9:30 बजे इसका यहाँ पे अराइवल टाइम है, तो एग्जैक्ट 9:34 को ये आ गई है। वो खैर, नासिक रोड, नासिक रोड नाम इसलिए पड़ा है, क्यों नासिक नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सिटी में नहीं है, ये सिटी से दूर है। वैसे नासिक में देखने लायक त्र्यंबकेश्वर महादेव है, यहाँ पर कुंभ मेला भी होता है जो गोदावरी में होता है, और इसके अलावा हमारे नासिक के अंगूर बहुत फेमस है, जिसकी
खेती हम देखते रहेंगे। अरे अभी अंकुर गया। इसका भी ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो अराउंड 7 रेटिंग दे सकती हूं 10 में से। इनका तो दही खूब ভালো দই আছে মিষ্টি দই। ভালো দই ले ले। कलकत्ता फेमस मीठा दही। वेल मैंने कई व्लॉग में बताया है दही मेरा फेवरेट भी है और इसको लेने का भी बहुत ही स्पेसिफिक कारण है क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं तो खाना पता नहीं कैसे होता है और पेट के लिए दी बेस्ट होता है। तो आप लोग भी अगर ट्रैवल करते हैं तो दही लेना मत भूलिए। सफ़र का मज़ा तब होता है कि सफ़र में जो साथ में सफ़र करने वाले कुछ मज़ेदार मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका नाम है अशोक जी। मुझे अशोक सावलानी जी, ये सिंधी हैं बाय बर्थ, लेकिन हम अभी उनके पास से कुछ इंटरेस्टिंग काम करवाने वाले हैं। चलिए झूले लाल झूले लाल सबन जूं सदाई तू ही आशू पुजाई झूले लाल साईं साईं झूले लाल साईं झूले लाल जाल लाल 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 सबन जूं सदाई तू ही आशू पुजाई सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ मैं। चुके हैं शेगांव और शेगांव के पहले मलकापुर भी आया था, वहाँ पर हमने दिखाया नहीं, लेकिन शेगांव की कचौड़ियाँ बहुत मशहूर है। ये वही कचौड़ी है शेगांव वाली कचौड़ी। और गजानन महाराज जी का मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है, लेकिन उसकी एक खासियत है वहाँ पर फूल माला तो छोड़िए, वहाँ पे एक आपको कंकर एक कागज़ कचरा कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे इसकी इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं खुद गई नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं को पैसेंजर ने बताया ये चीज़, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। वैसे ये 7th हॉल था और 8वां स्टॉप शेगांव। हम लोग पहुंच चुके हैं अकोला जंक्शन और अकोला जंक्शन 8th हॉल्ट है और 9th
स्टॉप है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस। अकोला जाना जाता है अपने कॉटन हब के लिए, और दूसरा यहाँ के भी दाल वड़े बहुत मशहूर है और दाल की मील्स यहाँ पर चल रही है। हमारे टाइम पर है पौने 3 बजे का इसका टाइम पहुँच गई है। वैसे अकोला से 4 लाइनें निकलती हैं, वो है मुंबई नागपुर हावड़ा लाइन, दूसरा है नागपुर भुसावल लाइन, तीसरा है अकोला रतलाम लाइन और चौथा है अकोला सिकंदराबाद लाइन। ओके दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं वर्धा जंक्शन, और वर्धा जंक्शन करीबन 20 मिनट लेट हो गया, आउटर पर रोक दी गई थी। अभी बजे हैं 5:45, इसे 5:21 को आना चाहिए था। वैसे मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करूँ तो वर्धा चित्तौड़ की लाइन। वर्धा से पहले सेवाग्राम रेलवे स्टेशन भी, और सेवाग्राम रेलवे स्टेशन बना 1985 में। इसकी नींव इसलिए शुरू हुई क्योंकि नॉर्थ साउथ जाने वाली जो ट्रेनें होती थी उन ट्रेनों के लिए इंजन को रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट डायरेक्शन में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, और इसी कारण से शुरू की गई न्यू दिल्ली चेन्नई लाइन पर सेवाग्राम रेलवे स्टेशन ओपन किया गया, जिसकी वजह से स्मूथ मूवमेंट हो। हाँ, और इस वजह से वर्धा पर वो नहीं ट्रेनें जाती और डायरेक्ट कटके सेवाग्राम से चली जाती। एक बात को तो मानना पड़ेगा, ट्रेन में सफाई बहुत अच्छे से हो रही है और ये खुशी की बात है। काफ़ी सारा सामान आया है नागपुर पे। वैसे 10 मिनट के लिए हॉल्ट करेगी हमारी ट्रेन और ऑन टाइम ही है, 7:05 है। देखो, कोशिश करती हूँ अगर मुझे नागपुर का इंडिकेटर, नागपुर की खासियत है नागपुर में यू ना बहुत गंदा क्यों है, वैसे माना जाता है ये बहुत साफ सुथरा है और यहाँ पे टॉयलेट जो है काफ़ी गंदी दिख रही है। बहुत आगे शायद मैं कोशिश कर रही हूँ, देखिए भीड़। यहाँ के ऑरेंज भी काफी फेमस होते हैं मैंने सुना है। कैसे दिए? 100 का है 50 का और ये 50 का है। वैसे हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस अभी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, मैं कोशिश करी मुझे कोई इंडिकेटर मिल जाए। ओके, ये साइन बोर्ड मिलने का मैं ध्यान दे रही हूँ। वैसे दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्रॉसिंग जो हमारे इंडिया के हर हिस्से को कनेक्ट करता है नागपुर से, और वो रेयर डायमंड क्रॉस है जो नागपुर से हावड़ा जाते वक्त नागपुर स्टेशन के बाद आता है। अच्छा, ओके, तो ये दिखाई दे रहा है आपको। ओके, यही है जो कनेक्ट करता है हमारे इंडिया के हर रूट को, और वो एक रेयर डायमंड क्रॉसिंग है जो मैंने आपको इसके बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी थी शिमला में भी। ऑल्दो वो नैरो गेज लाइन थी और ये ब्रॉड गेज लाइन है। ये हम लोग अभी 3 टियर एसी में हैं। हेलो, तो हम लोग गोंडिया जंक्शन पहुंच चुके हैं और गोंडिया जंक्शन हमारी इस जर्नी में महाराष्ट्र का लास्ट हॉल्ट है, मतलब हम इसके बाद छत्तीसगढ़ में एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पे है साइन बोर्ड, मैं क्लिक करूँगी पिक्चर करो। हम लोगों ने मिक्स वेज और रोटी मंगाई है, और सुबह थोड़ा सा मतलब खाना ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, एवरेज था। मैंने 7 उसको मार दिए थे खाने के लिए, लेकिन मैं नहीं खा पाई क्योंकि मुझे नूडल मोटे नहीं अच्छे लगते। ये भी हमने ई केटरिंग से मंगाया है, द ग्रैंड सीता। यस, हम लोगों ने 962 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है महाराष्ट्र का, अब छत्तीसगढ़ की सवारी शुरू हो चुकी है। यहाँ से मैं सब्जी खा के बता देती हूँ,
अच्छी सब्जी बनी है। वैसे अगर आप सेकंड स्लीपर में जाते हैं तो 405 रुपये पे करने हैं, आप अगर स्लीपर में जाते हैं तो 730 रुपये आपको पे करने हैं, अगर आप थ्री टीयर एसी में जाते हैं तो 1840 और टू टीयर एसी में 2655 रुपये। और काफ़ी ठंडी हवा भी चलती है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अभी राजनंदगांव में हैं और यहाँ पर हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट है, 10:07 को आना चाहिए था। वैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। तो इधर से हमारा सफ़र आगे की ओर, हाँ दुर्ग भी दिखाया गया। हम लोग पैसेंजर को बोलते हैं जो हम लोग फोन करके बोलिए कोई साफ सफाई की जरूरत पड़े तो हम लोग टाइम टू टाइम काम भी करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। हम लोगों का एक ही रेलवे का आवेदन है कि हम लोगों का रहने का कोई जगह नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? मतलब हाँ, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये रानी गरी में रहने के लिए हम लोगों का कोई जगह नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल कोई जगह नहीं है। हम लोग जो गीताजली में 4 एसी है, 13 स्लीपर है, इसमें कोच के अंदर हम लोगों का रहने का कोई अथॉरिटी नहीं है। बाहर तो सीट नहीं है। तो हमारा हाउस में जितना केमिकल है माल मटेरियल है, तो हम वो कहाँ रखेंगे? अच्छा, हम लोग उसको रखने का कोई जगह भी नहीं है। अच्छा, रेलवे की तरफ से कोई जगह भी नहीं दिया। सही बात। और 4-5 आदमी रहने के लिए कोई जगह भी लगा दिया होगा डब्बा। हम दूर है राजेंद्र नगर दूर, साउथ बिहार एक्सप्रेस राजेंद्र नगर दुर्ग। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हैं। अभी अच्छा लगता है। गिल्ला कचरा ग्रीन में, सूखा कचरा इसमें, लेकिन मेरा इसमें गीला है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। चूँकि ट्रेन अभी रुकी हुई है तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे जो लगा हुआ दिख रहा है, पहले दो कोच को ज्वाइन करने के लिए ये कॉपलर्स नहीं हुआ करते थे। ये कॉपलर्स हैं और पहले यहाँ पे आपको बराबर से पता चलता था कि किस तरीके से दो कोच जॉइंट है। अब यहाँ पे रखने का क्या मतलब है? सिर्फ 50? अच्छा, मुझों के लिए? ओह दैट्स गुड, थैंक यू। आपका नाम? मैं भट्टाचार्य। अच्छा, भट्टाचार्य जी, मुझों के लिए भी अवार्ड मिलते हैं, मुझे नहीं पता। वहाँ है डॉन और यहाँ है रायपुर। वेल सो हम लोग आ चुके हैं रायपुर, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हम फास्ट फास्ट जा रहे ताकि हम साइन बोर्ड ले सकें। रायपुर जो जंक्शन है वो A1 ग्रेड का जंक्शन है और हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग जंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ से दो लाइंस होती हैं, एक होता है रायपुर बिलासपुर सेक्शन जो कि हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर है, और एक रायपुर विजयनगरम लाइन। भाई 11:30 बज चुके हैं, टाइम पे आ गई हमारी ट्रेन, 5 मिनट में निकल जाएगी। और इसके बाद में ओडिशा आने वाला है काफ़ी रात में और बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में, तो मैं वो दिखा नहीं पाऊँगी। और झारसुगुड़ा और रुड़केला ये दो स्टेशन आएंगे और मैं नहीं दिखा पाऊँगी। आई एम सो सॉरी जो भी वहाँ से हैं। एंड गुड नाइट एवरीवन फ्रॉम रायपुर जंक्शन। जलेबी, गुड मॉर्निंग भैया। ओके, सुबह सुबह जलेबी की शक्ल देखने के बाद आपको बता दूं कि हमारी ट्रेन 1:44 लेट है। अभी इसे टाटा नगर होना चाहिए था लेकिन अभी है चक्रधरपुर पर। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज वैशाली
वेलकमिंग यू वंस अगेन ऑन एक्सट्रीम रोल्स। इसी से हम हैं अभी झारखंड में, तो ये हमारा चौथा पड़ाव और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल। अभी टाइम है आइकॉनिक प्लेस पर, और ये है टाटा नगर जंक्शन। टाटा नगर बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जमशेदपुर टाटा जी ने अपना स्टील प्लांट लगाया था, और वो 1910 में लगाया, 1907 में स्टील प्लांट लगाया था, और साक्षी वो एक जगह है जहाँ पर प्लांट लगा था, और काली माटी विलेज के पास था, और काली माटी का स्टेशन यही है जिसका नाम फिर जमशेदपुर टाटा जी को ऑनर करते हुए टाटा नगर बना। और इस जगह को ही नहीं, अब टाटा को तो हम सभी जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट मैंने रिसेंटली देखा था, और वो ये था कि रतन टाटा जी को पूछा गया था कि आप रिलायंस कंपनी की तरह रिच क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। यहाँ देख रहे हैं पूरा कोयला भरा हुआ है, सारे के सारे डिब्बों में, और ये है हमारी गीतांजलि एक्सप्रेस, और ये है हमारे डॉन, और ये मैं। स्वादिष्ट होती है, इसके अंदर गाजर, पीनट्स, बीन्स सब डाला होता है, तो इतना ही दिमाग इन लोगों को क्यों नहीं आता कि खाने में भी टेस्ट होना चाहिए। अरे आपका गाड़ी एक से जाएंगे तो तीन में भी खड़ा था, एक पे भी खड़ा था। अच्छा, उसका इस साइड में है आपका दो और चार। अच्छा, मतलब एक नंबर प्लेटफॉर्म के दूसरे तरफ दो नंबर नहीं है, एक नंबर ऐसा है तो दो नंबर ही है, दो नंबर का सीधा में चार नंबर है। अच्छा, उसी में चार नंबर है। अच्छा, एक नंबर का सीधा तीन नंबर है। ओके, Thank you.
पहुंचना चाहिए था 12:30 को, ये 1:35 को पहुंची है, 1:05 डिलेड है। तो हम पहुंच चुके हैं हावड़ा और 12859 का ये सफ़र आप लोगों ने देखा, आपको मज़ा आया ही होगा। तो अभी हम हैं वेस्ट बंगाल में, अब ब्लॉग को क्लोज करने का टाइम आ गया है। सो दिस वाज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और इस ब्लॉग में हमने कुछ समस्याओं को भी पोर किया है, सफाई के बारे में बताया है, जर्नी को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है, और कुछ चीज़ें हमने जान के मिस की क्योंकि एक ही ब्लॉग में सब कुछ आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ और ब्लॉग्स में भी वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो इस रूट में शामिल थी। तो एंजॉय किया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। और पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे नोटिफिकेशंस जा नहीं रहे हैं